दोस्तों कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने दिखाया था कि WhatsApp ग्रुप में आप विदाउट इनवाइट लिंक और विदाउट कॉन्टैक्ट नंबर को सेव करे बिना कैसे पार्टिसिपेट को ऐड कर सकते हैं। तो बहुत सारे व्यूवर्स हैं, उनका मुझे यहाँ पे कमेंट्स आ रहे थे वीडियो के नीचे और वो बोल रहे थे कि सर आपने ये जो ट्रिक दिखाई थी, इस ट्रिक में आपने यहाँ पे कंप्यूटर का इस्तेमाल किया था, तो हर एक बंदे के पास कंप्यूटर नहीं होता है, तो इस ट्रिक को आप मोबाइल में कैसे कर सकते हो। यानी कि ये जो वीडियो होगा, ये वीडियो यहाँ पे विदाउट इन्वाइट लिंक, विदाउट कॉन्टैक्ट नंबर सेव किए बिना और विदाउट कंप्यूटर आप कैसे व्हाट्सएप पार्टिसिपेट को ऐड कर सकते हो, दोस्तों इसकी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गणेश, आप देखिए। तो दोस्तों यहाँ पर हमें व्हाट्सएप ग्रुप के पार्टिसिपेट ऐड करने हैं विदाउट इनवाइट लिंक, विदाउट सेविंग कॉन्टैक्ट नंबर और विदाउट कंप्यूटर, यानी कि हम ये सब यहाँ पे मोबाइल में ही करने वाले हैं। तो स्क्रीन पे आपको दो फ़ोन दिख रहे होंगे, लेफ्ट वाला जो फ़ोन है वो हमारा कंप्यूटर का काम करेगा और राइट वाला जो फ़ोन है वो यहाँ पे उसमें आपका व्हाट्सएप आपका यहाँ पे रहेगा। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा दोस्तों राइट वाले फ़ोन में, तो एक टेक्निकल के नाम से मैंने एक ग्रुप तैयार करके रखा हुआ है। एक्चुअल में यहाँ पे इसको यहाँ पे आप देख सकते हो, मुझे यहाँ पे ग्रुप एडमिन जो है इसको यहाँ पे बनाना पड़ेगा। ठीक है, मैं ग्रुप एडमिन बना लेता हूँ इसका, जो भी मेंबर यहाँ पे होंगे। ठीक है, इसको मुझे यहाँ पे ग्रुप एडमिन बना लेना होगा, तो इसको मुझे मैं यहाँ पे एडमिन, मैं ग्रुप एडमिन के नाम से बना लूँगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप एडमिन होगे तभी ये कर सकोगे। ठीक है, अभी हम इस ग्रुप के एडमिन हैं। अभी दोस्तों करना ये है कि आपको जो भी आपका यहाँ पे राइट वाला फ़ोन आपको दिख रहा है, ये कंप्यूटर का काम यहाँ पे करने वाला है। ओके, तो इसके लिए आपको राइट वाले फ़ोन है सॉरी लेफ्ट वाले फ़ोन में जो माउस कर्सर दिख रहा है, इसमें मैं क्रोम ब्राउज़र खोलूँगा और क्रोम ब्राउज़र में आपको WA वेब इस प्रकार से वेबसाइट जो है इसको आपको खोल लेना है। तो यहाँ पे मैं इसको खोल लेता हूँ। ओके, अब ये वेबसाइट दोस्तों खुलने में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली है। अब कुछ इस प्रकार से वेबसाइट जो है दोस्तों खुल जाएगी। तो ये बोल रहा है कि प्लीज़ ओपन फ्रॉम योर डेस्कटॉप ब्राउज़र, यानी कि ब्राउज़र में एज अ डेस्कटॉप आपको खोल लेना है। तो क्रोम ब्राउज़र में 3 डॉट इसमें जाएंगे और डेस्कटॉप साइट जो है इस पर जाएंगे और डेस्कटॉप साइट पे जाएंगे तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से वेबसाइट जो है दोस्तों खुल जाएगी। अब फिर से ये प्रॉब्लम दिखा रहा है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे एडिट पे जाना है और एडिट पे जाते वक्त हमें यहाँ पे एज अ सिर्फ खाली .com को रख लेना है। ओके, आगे का जो भी होगा उसको निकाल देना है .com तक, इसको इस प्रकार से रखिए और कंटिन्यू कीजिए। ओके, और हमारा जैसे कंप्यूटर में खुलता है उस प्रकार से यहाँ पे ये वेबसाइट दोस्तों खुलने वाली है। तो यहाँ पे हमें एक्सेप्ट एंड स्टार्ट ट्रायल पे क्लिक करना है। तो ये जो वेबसाइट है 15 डेज का यहाँ पे ट्रायल दिखा दिए, और आपके पास जिस कंप्यूटर में जिसमें आपने ब्राउज़र खोला है वहाँ पे आपको आपके पास एक एक्सेल की फ़ाइल होनी चाहिए, उसमें नंबर होने चाहिए। तो मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा। ठीक है, तो फाइल मैनेजर में खोल लेता हूँ और फाइल मैनेजर में डॉक्यूमेंट में एक टेस्ट के नाम से यहाँ पे एक जो फाइल है एक्सेल की, यहाँ पे मेरे पास 50 नंबर है। ओके, 50 नंबर और ऑलरेडी 3 नंबर हैं, तो हमारे यहाँ पे 53 मेंबर्स जो है वो यहाँ पे हमारे ऐड हो जाएंगे। अभी किसी के पास व्हाट्सएप नहीं होगा या फिर उसकी सेटिंग अगर कोई भी उसे ऐड नहीं कर पाए इस प्रकार से होगी तो थोड़े से कम मेंबर जो है वो ऐड होंगे, लेकिन हमारे पास एक्सेल की फाइल है, आपके पास भी होगी। ओके, अभी हमें क्या करना है, इस क्रोम ब्राउज़र में अभी और राइट वाला जो फ़ोन है इसको हमें स्कैन कर लेना है। तो हम व्हाट्सअप वेब में जाएंगे और यहाँ पे स्कैन जो है वो करने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पे ये पासवर्ड पूछ रहा है। ठीक है, तो पासवर्ड भी हम यहाँ पे दे देंगे और ये स्कैन हमारा हो जाएगा दोस्तों, कोई प्रॉब्लम स्कैन से रिलेटेड नहीं आने वाली है। अब जैसे ये स्कैन का यहाँ पे हो जाएगा तो हमारा क्या होगा, ये जो राइट वाला जो फ़ोन है इसका काम अभी ख़त्म हो जाता है, क्योंकि इसमें खाली हम यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे 6 डे पीरियड ट्रायल लेफ्ट दिखा रहा है, मैंने यहाँ पे इसका यूज़ किया होगा। ओके, तो इस प्रकार से आपका डेस्कटॉप साइट से एज अ व्हाट्सएप WA वेब प्रो जो है वो खुल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हम इसके एडमिन हैं। ओके, तो इस ग्रुप में हमारे एडमिन होने के बाद हमें कुछ फैसिलिटीज़ यहाँ पर मिल जाती है, तो आपको यहाँ पर 3 डॉट पर क्लिक कर लेना है। जैसे 3 डॉट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे या फिर इस ग्रुप पे क्लिक करोगे तो हमें इंपोर्ट फ्रॉम फाइल जो है ये ऑप्शन मिल जाता है। तो इंपोर्ट फ्रॉम फाइल पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से, तो थोड़े से चेंजेस यहाँ पे हो चुके हैं।
जो मैंने पहला वाला जो वीडियो बनाया था उसमें थोड़े से अलग थे यहाँ पे, और इस फ़ोन में इस वेबसाइट ने थोड़े से चेंजेस किए हुए हैं। तो ये बोल रहा है कि आप 50 और 100 कॉन्टैक्ट को एज एक दिन में कीजिए, ज़्यादा करोगे तो आपका नंबर बैन होने के चांसेस होते हैं। तो आप यहाँ पे VCF, Excel और CSV फाइल को अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम चूज़ पे क्लिक करेंगे। अब चूज़ पे क्लिक करेंगे तो आपका फ़ाइल मैनेजर खुल जाएगा। अब फाइल मैनेजर खुल जाएगा तो आपने कहाँ पर फाइल रखी हुई है एक्सेल की देख लीजिए। तो ये मेरा फ़ोन है तो फ़ोन में मैं घुस जाऊँगा, यहाँ पर डॉक्यूमेंट में फ़ाइल है मेरी, डॉक्यूमेंट में चला जाऊँगा मैं। ओके, और डॉक्यूमेंट में ये जो टेक्स्ट नाम की जो फाइल है इसको मैं यहाँ पे लेने वाला हूँ। तो ये नंबर यहाँ पे आ जाएंगे। ओके, यहाँ पे हमने नाम नहीं दिए हैं तो फर्स्ट रो ही हमारा नाम के लिए होगा। इस प्रकार से हम यहाँ पे ले लेंगे नीचे जो है, ठीक है, इस प्रकार से, और एनालाइज डाटा पे क्लिक करेंगे। अब नीचे स्क्रॉल करना पड़ेगा, उसके बाद चेक मिसिंग कॉन्टैक्ट पर हम क्लिक करेंगे। तो एक भी नंबर हमारा यहाँ पर सेव नहीं है मोबाइल में बता रहा है, तो हमें इसको सेव करना पड़ेगा। ठीक है, इस पर यहाँ पे सिलेक्ट द कॉलम नाम का, और लास्ट नेम में भी यही हम रखने वाले हैं। तो नाम हमारे मोबाइल में, उनका मोबाइल नंबर और जो नंबर है वही लास्ट नेम और फर्स्ट नेम हमारा रहेगा। और सेंड मिसिंग कॉन्टैक्ट जो है इसको इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे राइट वाले फ़ोन में थोड़ा सा काम आपका अभी तैयार हो जाएगा। तो आपके पास एक VCF आ जाएगी, आप राइट वाले फ़ोन में देख सकते हो कॉन्टैक्ट VCF को। अब इसको आपको डाउनलोड करना है, और डाउनलोड करने के बाद इसको आपको ओपन कर लेना है। अब कहाँ पे सेव करना है ये देख लीजिए, यहाँ पे ये बोल रहा है तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ। ओके, और इम्पोर्ट फी कार्ड जो है वो हमारा यहाँ पे इम्पोर्ट हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे पास फाइल जो है वो फिनिश हो चुकी है। आप यहाँ पे देख सकते हो फिनिशिंग इम्पोर्टेड फी कार्ड कॉन्टैक्ट डॉट VCF। तो आपको भी इसको इम्पोर्ट कर लेना है, सेव हो जाएगी फ़ाइल, इसके नंबर भी हमारे यहाँ आ जाएंगे। तो हम देखते हैं कि सच में ये नंबर्स हमारे पास आ चुके हैं कि नहीं। ओके, तो हम थोड़ा सा बैक चले जाते हैं, और ये नंबर यह दोस्तों यहाँ पे आ चुके हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि 43 सेकेंड के बाद स्टिल अवेटिंग कर रहा है मिसिंग कॉन्टैक्ट्स को ऐड करते हुए। ठीक है, ये एक्चुअली करना नहीं चाहिए था इस वेबसाइट ने, लेकिन ये चेंज किए हुए हैं। अभी उन्होंने चेंजेस किए तो हम क्या कर सकते हैं, अभी इसको हमें फॉलो ही करना पड़ेगा। हमारे पास नंबर तो यहाँ पे आ चुके हैं, और ये 20 सेकंड्स के बाद, यानी कि 20 सेकंड के बाद यहाँ पे फिर से देखेगा कि सच में ये जो नंबर है आपके मोबाइल में सेव हो चुके हैं कि नहीं। तो हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं उस तक। तो दोस्तों यहाँ पे देखते हैं, ये नंबर हमारे पास आ चुके हैं। ओके, तो हमें नीचे क्लिक करना था, आप वहाँ पे वेट भी कर सकते हो। अभी इसी नंबर को, अगर कोई नंबर को आपको इसको निकाल देना है तो आप निकाल सकते हो, लेकिन हम नहीं निकालेंगे। ठीक है, सभी नंबर हमें चाहिए। तो यहाँ के इसके बाद हमें क्या करना है, मैं आपको इस ग्रुप में जाकर दिखाऊंगा कि यहाँ पे मेंबर्स ऐड होते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक राइट का एरो है, इस पर हम क्लिक करते हैं, ऐड पार्टिसिपेट पे क्लिक करते हैं, और हमारे पार्टिसिपेट जो है दोस्तों इस प्रकार से ऐड हो जाएंगे, आप देख सकते हो। अब इसको कुडंट ऐड यू आर इन्वाइट देम प्राइवेटली टू ज्वाइन, तो हम यहाँ पर इसको इन्वाइट टू ग्रुप भी कर सकते हैं। ओके, ठीक है, इसको हम इनवाइट कर लेंगे तो उनको प्राइवेटली यहाँ पे मैसेज चला जाएगा, और वो लिंक पर क्लिक करने के बाद हमारे ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से मैंने दिखाया कि विदाउट इनवाइट लिंक, विदाउट कॉन्टैक्ट नंबर सेव किए बिना, विदाउट कंप्यूटर मोबाइल में ही आप कैसे व्हाट्सएप ग्रुप के पार्टिसिपेंट यहाँ पर ऐड कर सकते हो। दोस्तों इसकी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में दी है। तो दोस्तों इस प्रकार के और टेक्निकल की वीडियो देखने के लिए, ये जो वीडियो आप देख रहे हो, इस वीडियो के नीचे जो लाल सब्सक्राइब का बटन है उस पर टैप कीजिए, बेल आइकन को एनेबल करने के बाद ऑल पर क्लिक कीजिए। तो दोस्तों इस वीडियो से अगर आपके ग्रुप के पार्टिसिपेट बढ़े हैं तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।